हेलो वेलकम बैक गाइस। आज यहाँ पे मेरे पास एक फिर से फोन आ गया है जो कि है रेडमी का 13C 5G फोन। इस फोन का दोस्तों आज मैं अनबॉक्सिंग करूंगा। इससे पहले एक और फोन लॉन्च हुआ था जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं रेडमी का 13C, ये 4G फोन था। अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है 5G, तो आज दोस्तों 5G का अनबॉक्सिंग करते हैं, कंप्लीट डिटेल रिव्यू देते हैं, बॉक्स के अंदर क्या क्या देखने को मिल जाता है, ये जो फोन है कैसा होने वाला है, सारा चीज दोस्तों आपको बताने वाला हूँ। और आप अगर एक बजट सेगमेंट में 5G फोन लेना चाहते हैं, 10,000 बजट है, तो ये फोन आप ट्राई कर सकते हैं। क्यों, इस वीडियो में मैं कंप्लीट आपको बता दूंगा। तो गाइस मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे टेक्नोवास्टी। चलिए फटाक से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रेडमी 13C 5G का बॉक्स पैकेजिंग हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। बैक की बात करें तो गाइस यहाँ पे कुछ हाईलाइटेड फीचर मेंशन किया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं सबसे पहले लिखा हुआ है मीडियाटेक डायमेंसिटी 6100 प्लस प्रोसेसर मिलने वाला है। स्टाइलिश स्टार ट्रायल डिज़ाइन दिया गया है इसके अंदर। 50 मेगापिक्सल का AI डुअल कैमरा है और यहाँ पे 6.74 इंच का 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले मिल जाता है। तो गाइस यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाक से बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो बॉक्स ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले रखा हुआ है ये फ़ोन। फ़ोन को अभी ऑन कर लेते हैं। तो जब तक फ़ोन ऑन हो रहा है यहाँ पे बाकी कंटेंट देख लेते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या है। सबसे पहले सिम इजेक्टर पिन देखने को मिल जाता है और इसी के साथ यहाँ पे आपको एक क्विक स्टार्ट गाइड, 10 वाट का चार्जिंग एडेप्टर देखने को मिल जाता है और यहाँ पे एक डाटा केबल भी दिया गया है जो कि टाइप सी का है। बाकी फ़ोन की बात करें तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से रखा हुआ है फ़ोन। और बाहर निकालने के बाद गाइस यहाँ पे आप इसका डिज़ाइन देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, ब्लैक सेट के साथ आता है। तो बैक में गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे पास स्टार लाइट ब्लैक कलर है। इसका दो कलर और मिलता है, स्टार ट्रायल ग्रीन कलर और स्टार ट्रायल सिल्वर कलर। फ़ोन जो है कुछ इस प्रकार से ये ब्लैक कलर में देखने को मिल जाता है रेडमी 13C 5G का। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके का टेक्सचर बन रहा है। कुछ इस प्रकार से इसका कैमरा सेटअप दिया गया है जिसके अंदर 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगा हुआ है। और डिस्प्ले की बात करें तो गाइस 6.74 इंच का HD प्लस 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले दिया गया है। बटन एंड पोर्ट्स की बात करें तो डाउन में प्राइमरी माइक मिल जाता है, टाइप सी पोर्ट दिया गया है, स्पीकर ग्रिल मिल जाता है। फ़ोन के राइट हैंड साइड में यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है ऑन ऑफ स्विच के अंदर ही, और वॉल्यूम अप एंड डाउन स्विच मिल जाता है। उसके ऊपर दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हेडफोन जैक मिलता है। यहाँ पे ट्रिपल स्लॉट मिलता है जिसमें 2 नैनो सिम के साथ एक HD कार्ड लगा सकते हैं। बाकी दोस्तों फ़ोन की बैक की बात करें तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से ये टेक्सचर बनता हुआ देखने को मिल जाता है और अलग अलग कलर में अलग अलग टेक्सचर है गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक में कुछ इस प्रकार से कैमरा सेटअप दिया गया है, जो कि मेन रियर कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का मिलता है और सेकेंडरी 2 मेगापिक्सल का है। उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे मिडिल में आपको LED फ्लैश भी मिलता है। यहाँ पे दोस्तों बैग जो है ये पॉलीकार्बोनेट बैग है, थोड़ा शाइनी करता है तो लगता है कि ग्लास है, लेकिन ग्लास नहीं है गाइस, ये पॉलीकार्बोनेट बैग यूज़ किया गया है इसके अंदर। और थोड़ा नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एक रेडमी का 5G का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों फ़ोन के अंदर यहाँ पे कैमरा इंटरफेस की बात करें तो कुछ इस प्रकार से कैमरा इंटरफेस मिल जाता है। सबसे पहले आपको टाइम लैप्स का ऑप्शन मिल जाता है, वीडियो का ऑप्शन मिल जाता है, फोटो का ऑप्शन मिल जाता है, पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिल जाता है, नाइट का भी ऑप्शन मिलता है और 50 मेगापिक्सल का एक अलग सा ऑप्शन मिल जाता है। और वीडियो जो है वो आपको 1080p और यहाँ पे 720p का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे गाइस आपको कुछ फ़ोटो और वीडियो दिखा रहा हूँ जो कि मैं इसी फ़ोन से रिकॉर्ड किया हूँ। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं MIUI जो है वो 14 देखने को मिल जाता है और इसी के साथ यहाँ पे आपको एंड्रॉयड वर्जन जो है वो 13 देखने को मिल जाता है। फ़ोन के अंदर 5000 mAh का बैटरी मिल जाता है और इस फ़ोन को आप 18 वाट का फास्ट चार्जर से भी चार्ज कर सकते हैं, लेकिन बॉक्स के अंदर आपको सिर्फ 10 वाट का एक चार्जिंग एडाप्टर मिलता है। और गाइस आप अगर इस फ़ोन को बाई करने का सोच रहे हैं तो ये जो फ़ोन है आपको 3 वेरियंट में मिल जाता है। 4GB रैम 128GB वाला वेरियंट आप अगर लेते हैं तो 10,999 पड़ेगा और 6 128GB वाला लेते हैं तो 12,499 पड़ेगा और 8 256 लेते हैं तो आपको 14,499 आपको पड़ेगा। फोन का गाइस इन हैंड फील काफी मस्त है, काफी कॉम्पैक्ट है। तो गाइस वीडियो का चला तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे आप अगर न्यू आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, क्योंकि मैं आप लोग के लिए हमेशा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।